हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल रामासर में। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं एक विशेष वैकेंसी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, उच्च न्यायालय सीधी भर्ती 2023 हाई कोर्ट वैकेंसी 2023 के नोटिफिकेशन को लेकर के ही हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। RHC स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड एंड ग्रेड थर्ड रिक्रूटमेंट 2023, जिसमें 12वीं पास के लिए एक मौका दिया गया है, उसी वैकेंसी डिटेल्स को लेकर के हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स में हमारा एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी फॉर्म फिलअप करना आप 1 अगस्त 2023 से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके लिए 30 अगस्त 2023 शाम 5 बजे तक का लास्ट डेट रखा गया है, लेकिन फीस पेमेंट के लिए उसी दिन, सॉरी माफ़ करेंगे, 31 अगस्त 2023 तक आप रात 12 बजे तक फॉर्म का फीस फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम डेट जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसकी जानकारी जैसे ही आपको आएगी हम तुरंत बना करके वीडियो देंगे। अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा या एडमिट कार्ड कब से अवेलेबल हो जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें तो जनरल और अदर स्टेट के लिए 700 रुपये फ़ीस रखा गया है, जबकि OBC और EWS के लिए 550 रुपये शुल्क रखा गया है। वहीं SC ST और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 450 रुपये का शुल्क रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं RHC स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड एंड थर्ड रिक्रूटमेंट 2023 की, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2023, इसका एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट अभी जारी नहीं हुआ है। जैसे ही एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड जारी होगा हम उसका भी वीडियो आप सब तक उसको पहुँचाएँगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी डिटेल्स की बात कर रहे हैं, तो चलिए बिना देर किए वैकेंसी डिटेल्स में और अधिक जानकारी देख लेते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर नोटिफिकेशन 2023 के एज लिमिट की बात करें तो जो हमारा एज लिमिट होगा वो 1/1/2024 से ही, 1 जनवरी 2024 से इसकी एज लिमिट की गणना की जाएगी, जिसमें न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष जबकि अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। एज रिलैक्सेशन की बात कर लें तो आपको राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड एंड ग्रेड थर्ड के रिक्रूटमेंट रूल 2023 के अकॉर्डिंग एज में भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा हम और अधिक वैकेंसी डिटेल्स की बात कर लें तो राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2023 में टोटल वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो जो टोटल वैकेंसी आई है वह 277 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, 277 पद हैं कुल, जिसमें स्टेनोग्राफर के पद निर्धारित किए गए हैं। इसमें नॉन TSP के पद भी हैं, नॉन TSP के ही पद हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए एलिजिबिलिटी और पोस्ट नेम के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो पोस्ट नेम हमारा है स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड हिंदी, नॉन TSP एरिया 237 पोस्ट। इसके अलावा TSP एरिया की बात कर लें तो 10 पोस्ट इसमें दिए गए हैं, नॉन TSP एरिया 16 पोस्ट अलग से दिया गया स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड इंग्लिश के लिए। और वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड इंग्लिश के लिए TSP एरिया में 3 पद निर्धारित किए गए हैं, स्टेनोग्राफर सेकेंड इंग्लिश नॉन TSP एरिया 8 पोस्ट हैं और स्टेनोग्राफर सेकेंड इंग्लिश TSP एरिया के लिए 3 पद निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी पदों की जानकारी हमने आपको पूरी तरीके से दे दी है, आप फिर से देख सकते हैं। इसके लिए अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 सीनियर सेकेंडरी एग्जाम इन साइंस या कॉमर्स से एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया विद ओ लेवल एग्जाम या COPA या डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन और RSCIT या 10+2 विद कंप्यूटर साइंस एग्जाम पास्ट, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। जब कंप्यूटर साइंस से आप पास ड्राउट रहेंगे तो आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का भी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, एक नई वैकेंसी डिटेल्स के साथ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अन्य जरूरतमंदों तक भी ये पहुँच सके। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।